सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो गाइज, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट होने वाला है। मैं एक सर वीडियो तक देखिएगा। तो गाइज सर, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। तो पिछले कुछ दिनों से कुछ भाई लोगों के ये कमेंट्स आ रहे थे कि भैया नीट 2024 का एडमिट कार्ड कब आएगा। तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि आपका नीट 2024 का जो पेपर है, जैसा कि आप सभी को पता होगा, 5 मई 2024 को होने वाला है। तो कहीं ना कहीं जो लोग भी नीट 2024 का एप्लीकेशन फॉर्म भरे हैं, नीट 2024 का पेपर अटेम्प्ट देना चाहते हैं, उन सभी के दिमाग में ये चीज़ चल रहा है कि हमारा नीट का एडमिट कार्ड NTA कब रिलीज़ करेगा। अब इस चीज़ को लेके बहुत सारी वीडियोस भी बन चुकी है, बहुत सारी बातें भी आ रही हैं कि आपका एडमिट कार्ड आने वाला है या आएगा या एक्सपेक्टेड डेट कब है आने का। तो आज की इस वीडियो में हम पूरा ग्राउंड लेवल पे बात करेंगे, पूरा प्रूफ के साथ, कि आपका एडमिट कार्ड कब आएगा। और एडमिट कार्ड के बारे में बात भी करना चाहिए, क्योंकि गाइस बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं कि सेंटर अपने स्टेट में नहीं देते, वो किसी डिफरेंट स्टेट में देते हैं। तो उन लोगों के लिए और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है अगर एडमिट कार्ड आने में लेट होता है तो। क्योंकि अगर आप बिहार में रहते हो और आपने सेंटर बिहार का ही दिया है, तब तो आपको दिक्कत नहीं होगा। आपने अगर अपना होम टाउन का दिया है, तब तो आपको और भी दिक्कत नहीं होगा। अगर 2-3 दिन भी पहले आता है तो कोई भी दिक्कत नहीं होता है। यहाँ तक कि अगर 1 दिन भी पहले आता है और आपने अपने स्टेट, अपने होम टाउन का सेंटर दिया है, तब आप जाके चेक कर लोगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। लेकिन दिक्कत उन लोगों को होता है जो लोग स्टेट से अलग अपना सेंटर भरते हैं। एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप बिहार के रहने वाले हो और आपने अपना सेंटर दे दिया दिल्ली, तो इस कंडीशन में आपके साथ प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आपको टिकट लेना होता है ट्रेन का। तो ये बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, क्योंकि गाइज नीट एग्ज़ाम के लिए आप पूरा 1 साल प्रिपरेशन करते हो। 1 साल प्रिपरेशन करने के बाद आप नीट एग्ज़ाम देते हो, और ऐसे में आपको टेंशन होने लगता है अगर एडमिट कार्ड में लेट होता है तो। क्योंकि एडमिट कार्ड जितना जल्दी आएगा, जैसा कि आज 17 अप्रैल को मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, आज से तकरीबन 15-20 दिन बाद आपका जो एग्ज़ाम है वो होने वाला है नीट का। तो अगर अभी एडमिट कार्ड रिलीज़ हो जाएगा तो आप लोग अपना अपना टिकट काट लोगे जहाँ का भी होगा, तो आपको दिक्कत नहीं होगा, आपका टेंशन भी फ्री रहोगे और आराम से पढ़ाई लिखाई करोगे। और जो लोग अपने स्टेट में सेंटर दिए हैं, अपने होम टाउन में दिए हैं, वो लोग जाके अपना सेंटर विजिट कर लेंगे, टेंशन फ्री होकर आराम से पढ़ाई करेंगे। तो इस वजह से लोगों के दिमाग में आता है कि NTA एडमिट कार्ड क्यों नहीं जल्दी रिलीज़ करता है। तो पहले मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ कि NTA को भी ये सब पता होता है कि बच्चे अपने स्टेट में या अपने होम टाउन में ही सेंटर नहीं भरते, अलग अलग स्टेट्स में सेंटर भरते। इसके बावजूद भी NTA क्यों नहीं 1 महीना पहले एडमिट कार्ड निकाल देता है, इसका सिर्फ एक रीज़न है, और वो है चीटिंग। जी हाँ गाइज, NTA इसलिए लेट करता है ताकि एग्ज़ाम में चीटिंग होने का संभावना बिल्कुल 0% हो जाए। जितना लेट से, जितना एग्ज़ाम के करीब आने पर वो एडमिट कार्ड निकालेंगे, एग्ज़ाम सेंटर पे चीटिंग होने का उतना कम चांस होगा। इस वजह से NTA एडमिट कार्ड लेट रिलीज़ करता है, या कोई भी एजेंसी इसीलिए लेट एडमिट कार्ड रिलीज़ करती है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है लेट एडमिट कार्ड रिलीज़ कर, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है लेट एडमिट कार्ड रिलीज़ करने का, ताकि जो एग्ज़ामिनेशन पे जो चीटिंग वाला जो माहौल होता है वो बिल्कुल कम हो जाए, वो ना के बराबर हो जाए, चीटिंग ना हो पाए। क्योंकि आपको सुनने को मिलता होगा कि जगह जगह पे एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे चीटिंग हुआ है, तो बहुत बार एग्ज़ाम कैंसिल भी हो जाता है उस सेंटर का, और उसके बाद फिर से री एग्ज़ाम होता है। तो ऐसा ना हो, NTA का भी टाइम बचे, आपका भी टाइम बचे, और कोई भी गलत करके आगे ना जा पाए, इन सभी के लिए NTA ऐसा करता है। अब हम बात करते हैं कि NTA आखिर इस बार कब तक आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ करेगा नीट 2024 के लिए, जो 5 मई को होने वाला है। तो अभी मैं आपके साथ एक छोटा सा डेटा शेयर करने वाला हूं, जिसकी मदद से हम समझेंगे कि नीट 2024 का एडमिट कार्ड NTA कब तक रिलीज़ करेगा। गाइस, अगर हम 2021 का बात करें तो 2021 में आपका नीट हुआ था 12 सितंबर को, और आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ हुआ था 6 सितंबर को, मतलब कि एग्ज़ाम से 5-6 दिन पहले। अगर हम नीट 2022 का बात करें तो आपका एग्ज़ाम था 17 जुलाई को, और NTA ने एडमिट कार्ड रिलीज़ किया था 12 जुलाई को, मतलब फिर से 5-6 दिन पहले। अगर नीट 2023 का बात करें तो आपका एग्ज़ाम था 7 मई को, और NTA एडमिट कार्ड रिलीज़ किया था 4 मई को, मतलब कि तकरीबन 2-3 दिन पहले। तो 3 साल का डेटा देखने के बाद आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि 1 वीक के आसपास एग्ज़ाम से पहले NTA आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ करता है।
तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो नीट 2024 का एडमिट कार्ड कब तक आना चाहिए, अभी तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो मैं आपको बता देता हूँ, एक्सपेक्टेड डेट हम ये मानकर चल सकते हैं कि आपका नीट 2024 जो कि 5 मई को पेपर होने वाला है, उसका एडमिट कार्ड या तो 1 मई को आएगा या फिर लास्ट ऑफ अप्रैल को आएगा, 30 या 31 जो भी होगा, इसके आसपास आपका नीट 2024 का एडमिट कार्ड आ सकता है। तो अभी से आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो क्योंकि अभी नहीं आएगा। यही एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ शेयर करना था क्योंकि कमेंट्स आ रहे थे, भाई लोग परेशान भी हो रहे थे और सबको ही परेशान होता है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ।